दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी को ठहराया जाए। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात नहीं कर पाएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह। जेल प्रशासन ने सुरक्षा का दिया हवाला। आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की जनसभाएं, पहले वेल्लोर और मेट्टापल्लयम में भरेंगे हुंकार, शाम को महाराष्ट्र के रामटेक में रैली। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क News 18 India पर। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मोहन यादव ने भी जलाए दीप। पंजाब के लुधियाना पहुंचे इसरो के अध्यक्ष ने बताया चंद्रयान 4 मिशन प्रक्रिया में है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए 2040 की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने का टारगेट रखा है और इसरो इस पर काम भी कर रहा है। भूकंप के तेज झटके से हिला गुजरात का भावनगर, रिक्टर स्केल 3.1 मापी गई तीव्रता। मुख्तार अंसारी की फतेहा रस्म में शामिल होने की मंजूरी मिलने के बाद जेल से गाजीपुर के लिए रवाना हुए अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को मिली है 3 दिनों की पैरोल। मध्यप्रदेश के जबलपुर में सड़क पर लड़ रहे 2 सांड दुकान में घुस गए, दोनों सांडों की 20 मिनट तक चली लड़ाई से पूरी दुकान अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के दौरान रेलिंग पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, रेलिंग से गिरा श्रद्धालु, सीसीटीवी में कैम रिकॉर्ड हुआ ये पूरा मामला। गुजरात के सूरत में एक मॉल को बिना धमकी वाला मेल, मॉल में मची अफरा तफरी, लोगों में डर का माहौल। हरियाणा के पानीपत में चालान कटने के बाद ऑटो ड्राइवर ने खुद को लगाई आग, सड़क पर तड़पता नजर आया ड्राइवर, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में आईटीबीपी का एक्शन, प्राइमरी स्कूल के सामने नक्सलियों के बनाए स्मारक को नेस्तनाबूद किया। पुणे में एक कंपनी की कैंटीन में समोसे में गुटखा और पत्थर मिलने का आरोप, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, एक आरोपी की गिरफ्तारी। जयपुर में सामने आया हिट एंड रन का मामला, घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार ने मारी टक्कर, रोनते हुए भाग निकला आरोपी। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में शराब की दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने की 20 लाख की लूट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख श्री तरसेम सिंह की हत्या के तार लॉरेंस बिश्नोई और गोली बराड से जुड़े नजर आ रहे हैं। हत्या में शामिल एक शूटर का पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। बिहार के बेगूसराय बेखौफ हुए वहां बदमाश, एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत, मामले में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। आरोप है कि शादी नहीं करने पर युवती ने प्रेमी के घर पर आत्महत्या की थी। दिल्ली के मोती नगर में नाबालिग बच्ची की किडनैप के बाद हत्या, पुलिस ने पड़ोसी को धर दबोचा, बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 11 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, गिरोह का निकला अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। राजस्थान के धौलपुर में साइबर पुलिस ने एक साथ की 12 साइबर ठगों की गिरफ्तारी, मोबाइल समेत कई दस्तावेज जब्त, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3 दिन पहले हुई विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, कहा सुनी के बाद हमलावरों ने पिस्तौल से मारी ताबड़तोड़ गोलियां। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बुजुर्ग की आत्महत्या के 16 महीने बाद उसकी बेटी, दामाद और एक परिचित के खिलाफ केस दर्ज किया गया, पुलिस ने तीनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सौतेली मां पर बेटी का अपहरण कराने का आरोप, महिला को अहमदाबाद से यूपी लाया गया, 2 युवकों पर कई बार महिला का गैंगरेप करने का भी आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान, 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों का पुलिस की टीम पर हमला, 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के पाली में व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अटारी बॉर्डर पर एनआईए की टीम की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स